शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 22 सफ़ा नंबर 147 खोलेंगे और वहाँ पर बहुत मज़े की कहानी टर्ट बटर्ट ने खीर पकाई पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं इस सफ़े पर एक टोट बटोट है और वो खीर बना रहा है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम खास अल्फाज पढ़ते हैं। सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें। देगची, दस्तरखान, खलकत, कुंजड़ा, धूम मचाना, दुहाई। अब हम इस नज़म के पहले बंद को पढ़ते हैं। खाला इसकी लकड़ी लाई, फूफी लाई दिया सलाई, अम्मी जान ने आग जलाई, टोट बटोट ने खीर पकाई। इस बंद में शायर कहता है कि टोट बटोट ने जो खीर पकाई है उसके लिए लकड़ी का बंदोबस्त उसकी खाला जान ने किया है और उसकी फूफी जान माचिस लेकर आई हैं ताकि आग जलाई जा सके। टोट बटोट की अम्मी जान ने उसे आग जलाकर दी कि वो खीर पका सके। इसी तरह सबके तावन से टोट बटोट ने खीर पकाई। अब हम बंद नंबर 2 देखते हैं। देगची चमचा नौकर लाए, भाई चावल शक्कर लाए, बहने लाई दूध मिलाई, टोट बटोट ने खीर पकाई। इस बंद में शायर कहता है कि खीर पकाने के लिए देगचा और चम्मच नौकर लेकर आए और टोट बटोट के भाई चावल और चीनी लेकर आए। टोट बटोट की बहनें दूध लेकर आईं, यूं टोट बटोट ने खीर पकाई। अब हम बंद नंबर 3 देखते हैं। अब्बा ने दी एक इकनी, खालू ने दी डेढ़ दूनी, टोट बटोट ने आधी पाई, टोट बटोट ने खीर पकाई। इस बंद में शायर कहता है कि खीर पकाने के लिए टोट बटोट के अब्बा जान ने एक आना दिया, टोट बटोट के खालू ने खीर पकाने के लिए डेढ़ दूनी दी, टोट बटोट ने खुद आधा पैसा मिलाया। इस तरह जो पैसे इकट्ठे हुए उससे टोट बटोट ने खीर पकाई। यानी कि यहाँ पर शायर कह रहा है कि टोट बटोट ने पैसे जमा करके सबसे और अपने पैसे मिलाकर खीर बनाई। अब हम बंद नंबर 4 देखते हैं। जूं ही दस्तरखान लगाया, गांव का गांव दौड़ा आया, सारी खलकत दौड़ी आई, टोट बटोट ने खीर पकाई। इस बंद में शायर कहता है कि जब टोट बटोट की खीर पक गई तो उसने जैसे ही दस्तरखान सजाया कि लोग आकर खीर खा ले, पूरा गांव ही दौड़ता हुआ आया, बल्कि सारी दुनिया ही दौड़ती हुई खीर खाने आ गई, यूं टोट बटोट ने खीर पकाई। अब हम बंद नंबर 5 देखते हैं। मेंढक भी टर्राते आए, चूहे शोर मचाते आए, बिल्ली गाना गाती आई, टोट बटोट ने खीर पकाई। इस बंद में शायर कहता है कि जब खीर पककर तैयार हो गई तो खीर खाने के लिए मेंढक भी टर टर करते हुए दौड़े आए और उनके साथ चूहे भी शोर मचाते हुए आए कि चलकर टोट बटोट की खीर खाते हैं। बिल्ली भी गाना गाते हुई बड़े मज़े ले लेकर खीर खाने ले आई, यूं टोट बटोट ने खीर पकाई। दरअसल टोट बटोट सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की नज़मों का मजाहिया करदार है, इसलिए इस नज़्म को मजाहिया अंदाज में पेश किया गया है। अब हम बंद नंबर 6 देखते हैं। धोबी कुंजड़ा नाई आया, पंसारी हलवाई आया, सबने आकर धूम मचाई, टोट बटोट ने खीर पकाई। इस बंद में शायर कहता है कि टोट बटोट की खीर खाने के लिए इंसान और जानवर सभी तशरीफ़ लाए। गांव का धोबी और सब्जी फरोश भी आ गया, दुकानदार जो गरम मसाला जात और जड़ी बूटियां बेचता था वो भी आया, उसके साथ हलवाई भी आया, सब लोगों ने आकर खूब शोर मचाया। इस तरह टोट बटोट ने खीर पकाई। अब हम आखिरी बंद देखते हैं। गांव भर में हुई लड़ाई, खीर किसी के हाथ ना आई, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई, टोट बटोट ने खीर पकाई। इस बंद में शायर कहता है कि जब टोट बटोट की खीर पक गई तो उसने दस्तरखान सजाया कि सब लोग आकर खीर खा लें, सारे का सारा गांव दौड़ा चलाया, उसके साथ जानवर भी आए। इस तरह हर बंदा पहले खीर खाने के चक्कर में लड़ पड़ा, यूँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। इस लड़ाई में खीर किसी के भी हाथ ना आई, या अल्लाह तेरी पनाह के इतना रश हो गया कि सारी खीर ज़ाया हो गई, यूँ टोट बटोट ने
खीर पकाई। देखा बच्चों, टोट बटोर ने खीर पकाई, कितना मज़ा आया और उसकी खीर के लिए कितने लोग जमा हुए। आखिर में क्या हुआ, वो सब लड़ पड़े और खीर ज़ाया हो गई। कितनी मज़े की नज़म थी। आपने इस नज़म को घर जाके अपने छोटे बहन भाइयों को भी सुनाइएगा और याद भी कीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।